हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है गुवाहाटी जोन की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टाफ नर्स है उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तथा फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। अगर आपके जो कट ऑफ मैं बताऊंगा, अगर उसके बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे तो आप सेफ जोन में हो, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल है वो आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सीबीटी वन है, सीबीटी टू इसके अंदर नहीं होगा। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जो फाइनल कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा, वो अभी जो 19, 20 और 21 को एग्जाम हुई थी आपकी, उसी बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस जोन की बात कर रहे हैं, आरआरबी गुवाहाटी जोन की बात कर रहे हैं, आरआरबी गुवाहाटी जोन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले मैंने आरआरबी अजमेर का बनाया, मुंबई का बनाया, जम्मू कश्मीर का बनाया, तथा चंडीगढ़ जोन का भी मैंने बनाया। उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ऊपर आई बटन में भी मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा, ताकि आपने जिस भी रीज़न से आपने भरा तो वहाँ के आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी थी आरआरबी के अंदर जो पैरामेडिकल की थी, वो थी 1937 वैकेंसी थी। उसमें से जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जो मैंने डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ कि 1109 वैकेंसी स्टाफ नर्स की हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड की 287 हैं, तथा मलेरिया हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड की हैं 289 वैकेंसी हैं। ये टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी। अब हम बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन की। तो टोटल जो वैकेंसी आरआरबी गुवाहाटी के अंदर 117 वैकेंसी हैं। 117 में से जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी हैं, जिन्होंने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है, उनके लिए जो वैकेंसी है वो 59 वैकेंसी यानी 59 वैकेंसीज़ हैं। और फार्मासिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट की 26 वैकेंसी है, मलेरिया एंड हेल्थ इंस्पेक्टर की 15 वैकेंसी हैं। तो जिनके बारे में अभी हम जिसकी कट ऑफ की डिस्कस करें, वो है स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड, जो कि आरआरबी गुवाहाटी जोन पैरामेडिकल गुवाहाटी जोन की जो पैरामेडिकल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टाफ नर्स की गुवाहाटी जोन की। तो जो जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम है वहाँ पे, तो कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है 73 से 76 के बीच में, जिसके मार्क्स बन रहे हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन करके आए हो तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपने आपके कितने क्वेश्चन सही है, बाकी आपके जैसे फाइनल आंसर की आती है तो वहाँ से आप मैच करके देख सकते हो आपके कितने मार्क्स हैं वो बन रहे हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिन्होंने जो स्टाफ नर्स के बंदे हैं आरआरबी गुवाहाटी से, उनकी जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ वो 73 से 76 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 68 to 71। नेक्स्ट हम बात करें अगर एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 52 से 56 कट ऑफ जा सकती है। हम बात करें स्टाफ नर्स की फ्रेंड्स यहाँ पे, नेक्स्ट आगे जो नेक्स्ट कट ऑफ बनाएंगे, नेक्स्ट जो कट ऑफ आगे आएगी वो है और जो फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम आगे बात करेंगे। एसटी कैटेगरी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 50 to 53 मार्क्स है जा सकती है। अगर आपके इसके बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉल आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिक वीक सेक्शन वाले हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो 69 to 72 कट ऑफ रह सकती है। तो ये तो बात होगी आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ नर्स गुवाहाटी जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल की गुवाहाटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 72 to 75, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ द वैकेंसीज हैं वो कम है, फार्मासिस्ट की लगभग 16 के लगभग वैकेंसी हैं। एक बार देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी वहाँ पे, जो फार्मासिस्ट की हैं वो फार्मासिस्ट की 26 वैकेंसी हैं, और मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर की 15 वैकेंसी हैं। तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 72 to 75 के बीच में जा सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जो ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी 66 to 69 कट ऑफ जा सकती है। एससी कैटेगरी की 55 से 59 कट ऑफ है वो जा सकती है। नेक्स्ट एसटी कैटेगरी की 51 to 54 कट ऑफ है वो जा सकती है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि इकोनॉमिक वीक सेक्शन है, उनकी जो कट ऑफ है वो 70 to 73 कट ऑफ जाने की चांसेज हैं। ये होगी फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड, जो फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की कट ऑफ होगी गुवाहाटी जोन की। तो दोस्तों, जो नंबर टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उनके जो मार्क्स रहेंगे, जो कि आरआरबी ने डिसाइड किया कि जो 40% मार्क्स है वो ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए, सॉरी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए,
ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स एंड 30 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। जो आपका 100 नंबर का पेपर हुआ था, 100 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें से 40 नंबर तो जनरल कैटेगरी वाले और 30 नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी वाले। एसटी कैटेगरी वालों के लिए है 25 मार्क्स। ये तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, यानी इतने मार्क्स तो आपको लाने कंपलसरी हैं। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो आप एग्ज़ाम, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, यानी यू विल बी फेल्ड। और जो टोटल नंबर होते जितनी वैकेंसी हैं उतने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉल किया जाएगा, लेकिन इन एडिशन टू 50% जो टोटल वैकेंसी थी उनका 50%, अगर 100 वैकेंसी थी तो 50 बंदों को और एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा। क्योंकि जितने नंबर होते, सपोज 117 वैकेंसी हैं, तो 117 वैकेंसी में से 117 को डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से एक लगभग 56 या 57 कैंडिडेट को और बुलाया जाएगा। अगर इसमें से कोई बंदा एब्सेंट रहता है डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के लिए, तो वो 56 जो एक्स्ट्रा बंदे बुला रहे हैं जो जिनके टॉप मार्क्स हैं, तो उनको उसमें से रखा जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने आरआरबी पैरामेडिकल गुवाहाटी जोन से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तथा उनके कितने क्वेश्चन सही होने के चांसेस है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और जिन बंदों से आरआरबी अजमेर और चंडीगढ़ है, जम्मू है, मुंबई जोन है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें तथा लाइक व शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन रहेंगी, जो भी न्यूज़ रहेगी आरआरबी पैरामेडिकल से रिलेटेड की, जो फाइनल जो कट ऑफ है वो कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। और रही बात फाइनल जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो आपकी अगस्त लास्ट वीक तक जो कट ऑफ है वो आपकी आने के चांस पूरे चांसेस दो दोस्तों, यानी अगस्त लास्ट वीक तक आपके जो कट ऑफ है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।